पदरातु का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार है। यहां डॉक्टरों के रहने तक ही जगह नहीं है, मरीजों का इलाज तो छोड़िए। इस स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा देखिए इस रिपोर्ट में। पदरातु के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हर दरवाजा ऐसी ही आवाज निकालता है। पदरातु स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार है, कई गांवों के लोगों की एकमात्र उम्मीद है, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार है। अमूमन दरवाजे की चरमराने की आवाज आपको बुधा फिल्मों में सुनाई देती है, लेकिन पदरातु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दरवाजा कुछ इसी आवाज के साथ आपका स्वागत करता है। और फिर जो दिखता है वो आप भी देख लीजिए। दरवाजा, टूटी फर्श, टपकती हुई छत, उपकरणों की कमी, दवाई की कमी, और अब सुन लीजिए यहाँ की परेशानी, यही के डॉक्टरों की जुबानी। बहुत खराब है, बिल्डिंग एकदम जर्जर स्थिति में है, बरसात के समय पानी चूते रहता है हमेशा, होती तो पूरा खराब हो गया है, उसी में दिक्कत होता है ना, उसकी सिजेरियन नहीं हो रहा है, डिलीवरी वाला रूम है उससे भी पानी खूब छूटता है, तो जो अच्छा से इसको बिल्डिंग का मरम्मत होना चाहिए। अभी 6 बेड में ही हम लोग चला रहे हैं, जगह की घोर कमी है, 4 रूम है, एक रूम में ओपीडी चलाते हैं, एक रूम में लेबर रूम चलाते हैं, एक रूम को वार्ड बना के रखे हैं, एक रूम में लेबोरेटरी है, डॉक्टर की ठहरने की जगह नहीं है, फिर भी किसी तरह डॉक्टर रात में इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, टॉयलेट बाथरूम की कमी है, तो इसके कारण और बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट्स जो हैं ज़रूरी हैं, जैसे न्यू बॉर्न बच्चे जो जन्म लेते हैं तो उसकी जो फैसिलिटी होनी चाहिए उस सब पे भी कमी है, इसी तरह से डिलीवरी में ब्लड का ज़रूरत होता है तो ब्लड बैंक नहीं है, और मैन पावर की भी बहुत कमी है, इक्विपमेंट्स की भी बहुत कमी है। अब इस अस्पताल में लोगों का क्या और कितना इलाज होता होगा आप समझ सकते हैं। भगवान भरोसे है यहाँ सब कुछ। पदरातु से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुमित पाठक की रिपोर्ट।